लाल फरमाते थे खाली आने जाने का नाम तबलीग नहीं है, सोच बदल जाए सोच। कि हजरत क्या सोच बदल जाए कि जो सोच मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या आप तो हर चीज में नमूना है, जैसे नमाज में रोजे में ज़कात में रोने धोने में आप तहज्जुद में रातों को उठने में नमूना है, सोच हर एक की सलाहियत कसे बाशत गलत पर लगने से बचे सही पर लगे, जहन्नम की राह से बचे जन्नत की राह, दुनिया में रहे तो जन्नत जैसी घरेलू है झुकी है फाका मस्त है लेकिन सुकून जे, जैसे वादे किए हैं कि जब ये दो बुनियादें सही होंगी ईमान और अमाल तो हम उनको इनाम में हयातुन तय्यिबा, कि क्या हयात तय्यिबा कि सबसे पहला इनाम दिलों में सुकून की तहें जमेगी, आसमान चिरचिरा रहा है, सूरज दिखने रहा है, बर्फबारी हो रही है, क्या दिल है क्या तहें जमी हुई है। दूसरा इनाम अमाल की तरफ रगबत, नमाज पढ़ लूं, इशरा पढ़ लूं, सलातुल हाजा पढ़ लूं, तोबा सलात तोबा पढ़ लूं, अल्लाह से माफी मांग लूं, कुरान पढ़ लूं, अल्लाह सिरा उसके पास है कुरान पढ़ूंगा अल्लाह की तरफ हर वक्त। अब फरमाया तीसरा इनाम दुआओं की कबूलियत, कि फिर ऐसों की दुआएं कबूल, और मौलाना यूसुफ साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते थे जानते हो दुआ क्या है, जानते हो दुआ क्या है, दुआ उस ताकत का नाम है जहां तमाम मादी ताकतें जवाब दे देती है हमारे बस के लिए, वहां से दुआ की ताकत का आगाज है इब्तिदा है, जैसे रात हजरत ने फरमाया था दावत और दुआ, दावत और दुआ हमारा असल सरमाया ये है, वाह नाकामी हम अपने सरमाए को भूल गए, अल्लाह उनकी कब्रों को नूर से मुनव्वर फरमाए, घर के चूल्हे बुझ गए, यूसुफ की मां के जेवर खोखले भोगल में यूसुफ की मां के जेवर जो शेरों के हिसाब से लाई थी, रहीमहुमुल्लाह यूसुफ की मां, ये आटा मंगवाया था चावल मंगवाए थे मेहमानों के लिए, उनका देना है मेरे पास कुछ है नहीं, क्या ख्याल है तेरे से, हजरत जी मैं आपकी मेरे पास जो कुछ है वो तबूक का मंजर कायम करके दिखा दिया, कि तबूक में जब हुजूर ने कहा था औरतों ने अपने सेवा पेश किए थे कुर्बान जाए कब्रों को नूर से भरे, अल्लाह उन हजरत की कि अम्मा जी ने अपना सारा दे दिया, काम कुर्बानियों से चलेगा इखलास से चलेगा हर तरह के अगराज से बालातर होकर, और नफ्स और शैतान हर एक के साथ लगे हुए हैं जितने रास्तों से वो आता है, इसलिए तलबीस इबलीस उलमा ने किताबें लिखी है और हिस्न हसीन किताबें लिखी है, अपना किला बनाओ अपनी हिफाजत का सामान करो, वो जिसने वो तुम्हारा दुश्मन है कुरान ऐलान कर रहा है, यहाँ तक के नबियों का जालना लिकुल नबी अदुवन शयातीन अल इंसि वल जिन्न,